पंजाब के बाद अब जिला सोलन में भी नशे का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। युवाओं का आकर्षण और नशे की ओर बढ़ने लगा है। दिन प्रतिदिन नशे से जुड़ी घटनाएं सामने आने लगी है। आज के दौर में 10वीं से 12वीं तक के बच्चे भी इंजेक्शन दवाइयों व अन्य तरह तरह के नशे में फंसे हैं। युवाओं में तो यह आंकड़ा काफी ज्यादा है। नशे में फंसे युवा न केवल अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अभिभावकों की उम्मीदों को भी धूमिल कर रहे हैं। नशे से किसी का भला नहीं हुआ, नशा करने वाले का सामाजिक और नैतिक दोनों ही पतन निश्चित है। नशे में युवा न केवल अपना नाश करता है बल्कि परिवार भी इसका शिकार होता है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता का कहना है कि नशे के प्रचलन को यदि रोका नहीं गया तो लाखों युवा अपनी जिंदगी खराब कर देंगे। मुकेश गुप्ता ने मौजूदा सरकार से अपील की है कि नशे के प्रचलन को रोकने के लिए कोई स्थायी हल निकाला जाए और साथ ही जो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही उनकी संपत्ति को भी नीलाम कर दिया जाए ताकि नशे के प्रचलन को रोका जा सके। देखिए, जो नशा है ये हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर खत्म करता जा रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मेरा मानना ये है कि जो नशा बेचने वाले लोग हैं अब इनके लिए जो सजा का प्रावधान है उस एक्ट को बदल कर इसमें कड़ी से कड़ी ऐसी सजा करनी चाहिए कि ताकि जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो एक बार ज़रूर सोचें कि अगर इसको नशे को हम बेचेंगे और अपनी जिस तरह से युवा पीढ़ी या बच्चे हैं या युवतियां भी हैं उनकी ज़िंदगी जिस तरह से ख़राब कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, तो उनको वो सोचने में मजबूर हो जाए कि इतनी सज़ा हमें कम से कम हो सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर थोड़े थोड़े जो नशा एक ग्राम किसी के बाद पकड़ लिया चिट्टा और उसको थोड़ी सजा हुई और फिर वो बाहर आ गया तो फिर बाहर आकर वो फिर वही काम में फिर वो लग जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि नशे के लिए जो हमारी सजाएं बनी हैं उनको बदलना चाहिए और जो बड़े जो इसमें लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास में ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें पकड़ी जाती है उनकी प्रॉपर्टी तक भी सीज कर देनी चाहिए और गवर्नमेंट के नाम कर देनी चाहिए ताकि वो ये कृत्य को करने से पहले 10 बार सोच लें। हालांकि हमारी जो पुलिस है, पुलिस विभाग है, बड़ी मुस्तैदी से काम करता है और बहुत से लोगों को पकड़ भी रहा है। खाली पुलिस के करने से भी ये काम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आम जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है और सभी को अपना ये कर्तव्य समझना चाहिए कि अगर उनकी नॉलेज में ये बात आती है कि कोई फलाना आदमी कोई नशा बेच रहा है तो उसकी कंप्लेंट पुलिस को करें, ना कि उसको देख के हम अपनी आंखों को बंद कर लें कि मुझको क्या लेना है। लेना हमारे को ही है क्योंकि ये नशा आज जो हमारे आसपास के घरों में है कल को ये चलते चलते हमारे घरों में पहुंचने में भी इससे देरी नहीं लगी। ऐसा तो जो नशा जो इसी इनकम के चक्कर में जो लोग इस कारोबार को कर रहे हैं वो सारे हिमाचल में ही हो रहा है, ना कि खाली सोलन जिला के अंदर हो रहा है। आप कहीं भी देखिए, हम तो मीडिया के माध्यम से देखते हैं, आज यहाँ पर चिट्टा पकड़ा गया, आज वहाँ पर चिट्टा पकड़ा गया और इस तरह से कोई दो नंबर के जो सामान है नशे के वो बेचते पकड़े गए, तो ये पूरे हिमाचल में चल रहा है। लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है और मेरा मानना